नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो बाइक है वो है होंडा की ड्रीम नियो, और यह है 2014 मॉडल। और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 26,000 रुपये। और जो उसकी कंडीशन है बहुत ही अच्छी है, आप खुद देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लैक कलर में है और बाकी जो मरून कलर में इसमें जो स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं इसकी डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। और वैसे भी आपको पता है कि जो होंडा कंपनी का जो बाइक होती है उसकी जो फिट और जो फिनिशिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है, मतलब मजबूत होती है और रिलायबल होती है। और इंजन भी होंडा का आपको पता है कि बहुत अच्छा होता है। तो ये जो बाइक है ये 2014 मॉडल है, और आप देख लीजिए अब 2019 चल रहा है, तो 14 से 19 आप वही आप लगा के चलिए कि 5 साल पुरानी बाइक मिल गई आपको, कि 5 साल भी क्या, 4 साल पुरानी बाइक होगी ये। तो 4 साल पुरानी बाइक होने के बावजूद ये जो इतनी कंडीशन अच्छी है इस बाइक की, जो अगर आप लेने जाएंगे इस बाइक को तो आप पहले राइड करके देखना, काफ़ी अच्छी बाइक है। मीटर में तो 8,670 किलोमीटर शो कर रहा है इसके, बट आप खुद चला के देखना कि क्या कंडीशन है बाइक की, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि मैंने चलाई थी तो बहुत अच्छी चली। आप चला के देखिए, अगर आपको मतलब 100 cc के आसपास की बाइक चाहिए जिसमें आपको एवरेज 50, 55, 60 की मिल जाए, तो होंडा की इंजन की एवरेज वैसे भी होती है 55, 60 की एवरेज तो होती ही है, तो आपको इतनी एवरेज दे देगी ये बाइक। और वैसे बाइक काफ़ी अच्छी है, और जो रेट 26,000 रुपये बताया गया है वो जो आप लेने जाओगे नेगोशिएट करोगे तो वो कम हो जाएगा। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉल कर लेना, जो भी डिटेल आपको चाहिए होगी आप ले लेना, ठीक है ना। और बाकी आप अगर अपने स्टेट में ख़रीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी देख लीजिए, अगर आपको होंडा नियो मिल रही है ड्रीम नियो तो आपको भी ये वो 20 और 25 के बीच में ही मिल जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो होंडा की बाइक तो अच्छी होती है तो सबको ही पता है। बाकी आप बाइक का ओवरऑल लुक देख लीजिए, कोई ऐसा है नहीं कि कोई डेंट वगैरह पड़ा हो, स्क्रैच वगैरह पड़ा हो, नहीं है, साफ़ सुथरी है, नीट एंड क्लीन बाइक थी, मैं पर्सनली देख के आया था तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। तो बस आप देखिए बाइक को, कोई कमी पेशी तो है नहीं बाइक के अंदर, मुझे तो सही लगी। बाकी जो मेरे भाई पटियाला में रहते हैं वो कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, बात कर सकते हैं इनसे, या किसी और स्टेट में भी रहते हैं वो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी नेगोशिएट करवानी है आपने बाइक के बारे में, ठीक है ना। देख लीजिए आप, बाइक तो अच्छी है काफ़ी। तो चलिए फिर वीडियो में फिर यहीं भी ख़त्म करता हूँ अभी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। और वीडियो लग रहा है अच्छा तो कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा ना, इसलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।